राष्ट्रीय क्षय उन्मूलन कार्यक्रम के अंतर्गत ग्राम भूदरी में स्वास्थ्य विभाग की टीम द्वारा क्षय रोग से संभावित रोगियों की जांच की गई। महेश्वर तहसील की ग्राम पंचायत भूदरी में टांडा क्षेत्र में चलित वाहन में संभावित मरीजों का एक्सरे जांच की गई। महेश्वर से आए दल में एसटीएल वीरेन शर्मा, रेडियोग्राफर शरद पवार, किशोर कुशवाहा के साथ ग्राम की स्वास्थ्य टीम के सदस्य उपस्थित रहे। महेश्वर से दिलीप यादव की रिपोर्ट। ये सर कैंप किस स्तर से लगाया गया? ये जिला से केंद्र से लगाया गया है सर। अभी इस कैंप में क्या क्या समस्याएं देखी जा रही है? इस कैंप में टीबी के पेशेंट की स्क्रीनिंग की जा रही है। इसमें दो सप्ताह से अधिक की खांसी, बुखार, भूख न लगना, इस तरह के जो पेशेंट है, वजन में कमी हो रही हो, छाती में दर्द बना हुआ हो, बुखार में भी होना था, इस तरह के जो पेशेंट हैं उन लोगों के पेशेंट उन सबके जो है यहाँ पे इसमें एक्सरे किए जा रहे हैं। एक्सरे के बाद में उन लोगों को सरकार की जाँच टेम्परिंग करके यदि उनको कोई इंफेक्शन भी तो वो टीबी बीमारी निकलती है तो उनको चेक करने के लिए डॉक्टर। सर अभी तक आपने कितने पेशेंटों को चेक किया है? अभी हाँ हमने 15 पेशेंटों की जांच करी है। सर इसमें संक्रमित कोई पाया गया क्या? नहीं, अभी उनकी जांच होना बाकी है। एक्सरे हमने लोगों ने करे हैं। अब ये एक्सरे जो है हमारे मेडिकल ऑफिसर को और अधिकारियों को दिखा के इसमें से जो जिनको लगेंगे सिम्टोमेटिक जो मतलब हमको लगेंगे कि उनको बीमारी बताई गई है जी, तो हम उनको बुलाएंगे एक्सरे के आधार पर उनकी फिर से स्क्रीनिंग करवाएंगे और सरकार की जाँचें भी करवाएंगे। कंफर्मेशन करने के बाद में उनको दवाई। सर ये जो अभी यहाँ पे इलाज हो रहा है इसके अलावा कुछ मेडिसिन वगैरह भी दे जा रही है यहाँ पे? हाँ मेडिसिन अभी नहीं दी जा रही, अभी केवल स्क्रीनिंग की जा रही है। इसमें जहाँ पे आउटरीच एरिया जहाँ पे स्वास्थ्य सुविधाएं जो है पेशेंट जा नहीं पा रहा है हॉस्पिटल तक या एक्सरे सेंटर तक जा नहीं पा रहा है, जैसे हमारे सीएससी या पीएससी जहाँ पे सीएससी के एक्सरे हैं वहाँ नहीं जा पा रहा है, उन लोगों के लिए वैन जो है ये गाँव में आई है और यहाँ पे नहीं सकेंगे। सर क्या नाम लिखते हैं आप? मेरा नाम वीरेंद्र कुमार शर्मा। सर कहाँ से? मैं महेश्वर से हूँ, टीवी से। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।